हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा डिजाइन। प्लाजो पैंट का डिजाइन है ये। आप इसको बाजुओं पर भी बना सकते हैं और अगर प्लाजो की लंबाई छोटी हो जाए तो भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। अपनी कमीज की लंबाई को भी आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। काफी बार होता है कि बाजू की लंबाई भी हमारी छोटी हो जाती है और कपड़ा कम पड़ जाता है, तो आप इस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना प्लाजो ऑलरेडी बना लिया है, स्टिच कर लिया है। इसकी लंबाई हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा कम है। प्लाजो की लंबाई हमने नॉर्मल लंबाई से 3 इंच कम रखी है और आप इसे 5 इंच तक कम रख सकते हैं। उतनी लंबाई पे ये डिजाइन काफी अच्छा लगेगा। तो ये जो पट्टी हमने अपने सूट के कपड़े की कट करी है वो यहाँ पर हमने तकरीबन 3.5 इंच करी है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर आप इसको 5.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं और उस पर भी अगर आपको और ज़्यादा लेना है तो आप 6 इंच तक इसको ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। तो ये मैंने अपनी कमीज का कपड़ा लिया हुआ है। आप कोई भी अलग कलर का कपड़ा और लेस लेकर के इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। ये कॉटन की लेस आजकल बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। तो देखिए, प्लाजो को मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। अभी केवल हमें इसका नीचे का बॉटम बनाना है। साइड से भी हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कपड़े को आपको सीधा करके रखना है और ये जो हमने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया हुआ है इसको आपको इस तरीके से उल्टा करके रखना है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने अपने प्लाजो के बराबर ली है। अब इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को आप सीधा कर लीजिए और ये जो हमारा देखिए मार्जिन वाला पार्ट है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो पतली लेस ली है हमने, अब यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से स्टिच करना है। बिल्कुल यहाँ पर मिलाते हुए इस तरीके से पूरे में बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। एक सिलाई से ये हमारी आसानी से लग जाएगी। तो मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे, ये जो ये वाला मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ करते जाएंगे और पूरे में ये लेस को लगा लेंगे। तो ये देखिए, लेस लगने के बाद ही हमारा जो डिजाइन है वो कितना ज्यादा प्यारा लगने लग गया है। अब निचली साइड की तरफ भी हमें इस तरीके से मोड़ना है। तो इसको बहुत ही पतला देखें इस तरीके से एक बार मोड़ेंगे और ये दूसरी बार इस तरीके से मोड़ेंगे और यहां पर एक सिलाई लगाएंगे। बहुत ही पतला मोड़ना है आपको। पूरे में मोड़ करके हमने सिलाई लगा दी है। अब इस लेस को आप इस तरीके से देखिए नीचे वाली साइड की तरफ इस तरीके से रखेंगे। जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ ही आपका नजर आते रहना चाहिए। जहां हमने मोड़ा है केवल वहीं पर इसको रखते हुए एक सीधी सिलाई लगाकर इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए, हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका जो कपड़ा बीच वाला प्लेन है तो आप इस तरीके से बीच में कुछ टेढ़े पिनटेक्स बना सकते हैं, जैसे कि कपड़ा पकड़ करके इस तरीके से पतली सिलाइयां जो लगाते हैं आप वैसा यहाँ पर बना करके, अगर प्लेन कपड़ा है तो, अगर प्रिंटेड है तो वो ऐसा ही आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। सिंपल लेस के साथ हमने ये देखिए डिज़ाइनिंग बना दिया है। और अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है बाजू में, कुर्ती में या फिर पैंट में, तो भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अब देखिए, इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर साइड की पूरी जो फिटिंग की सिलाई होती है वो लगा लेंगे। उसके बाद में मैं आपको इसका फिनिश लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बन करके। तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है अपनी कोई भी प्लाजो पैंट की बॉटम को डिज़ाइन को बनाने के लिए।
शायद इससे आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक किए बिना कहीं मत जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल से प्रिंटेड कपड़े और लेस के साथ आप बेहतरीन सा डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी डिज़ाइन था, आप बिगनर्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे इसे। तो पहनने पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा था इसका। और आई थॉट कि ये मतलब ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और प्लाजो भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बना है, कहीं से उठ नहीं रहा, कहीं से एकदम खिंच नहीं रहा। तो इस तरीके से आपको अगर प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग देखना है तो आप देख सकते हैं चैनल पर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।